पटना से है। पटना से किसके साथ पटे हो आप? हम यहाँ जिसके साथ पटे हो वो तो लाए नहीं आप। बाघ कंटेंट बागा भाई, मेरा कंटेंट देख सकते हो आप। 150 रुपया देंगे हम इसको अगर 150 रन पहुंचाएगा। माय गॉड, एंड्रू फ्लेचर का सिर्फ स्टार्ट भी लाना। इसने मिक्स करके ला दिया, पानी क्या है पीली पीली टट्टी सी कुछ। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका दोस्त लेन होस्ट हैप्पी, और आज की जैसे कि मेरा डेली ब्लॉगिंग का डे वन है। तो कल का रक्षण ने मुझे चैलेंज दिया था कि भैया आपको भी चैलेंज, पर मैं ये चैलेंज ना एक हफ्ते का करूंगा पहले स्टार्ट से कि एक हफ्ता कर पाता हूं। तो आज मेरा फर्स्ट डे है और अभी मुझे जाना है रियासी, वीडियो अपलोड करनी है कल वाली, और साथ में आज हमारा ना मैच है फाइनल HCC का। मैं तो नहीं खेल रहा बट हमारी टीम का मैच है, क्योंकि मैं कल यहाँ पे था नहीं, कल का मैच भी जीत चुके हैं, तो आज फाइनल है। फिलहाल पहले करते हैं फटाफट पैकिंग, लैपटॉप गिम्बल डालते हैं बैग में, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो अभी मैं रेडी हो गया हूँ, अभी मैं बाजार जा रहा हूँ। जैसे आपने देखा हमारे घर में ना एक पैरेट आता है, मतलब कोई पता नहीं है उसका पता किसका है, पर है किसी घर का, मतलब पालतू है, बट ऐसे खुला घूमता है, किसी के भी पास चला जाता है। मम्मा अभी सब्जी का काम कर रहे हैं थोड़ा सा, पापा ब्रश कर रहे हैं, पापा शादी में जा रहे हैं। तो मैं तो अभी मैं पूजा दी रुक के घर पहुँचता हूँ, लैपटॉप इधर रख दिया मैं पहले। तो सरगम आई हुई है सिस्टर हमारी, मेरी डांस पार्टनर, जैसे कि 7 लेक देखा होगा, ओ देखो हमारा छोटा ये हीरो जागा हुआ है। हेलो सरगम। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों तो अभी सरगम बेचारी कर रही है काम शाम कर रही है थोड़ा बेचारी, स्कूल ठीक थी यार, इधर आके हमें काम लगाया हुआ पूजा दी उन्होंने। मैं तो कह रहा हूँ सरगम तू भाग जा फिर से स्कूल। अपलोड हो गया, मैंने कर लिया अपलोड, तो अभी मैं जा रहा हूँ ग्राउंड में क्योंकि आज हमारा फाइनल मैच है। सरगम अभी ये दोनों ब्लॉग देखने शुरू हो गए क्योंकि पूरे 12 बज गए अभी, तो फिलहाल चलता हूँ मैं अभी ग्राउंड में, विशाल आगे लेने हुए तो वो मुझे ग्राउंड छोड़ गए, उसके बाद हम यहाँ से तितर हो जाएंगे रियासी। तो अभी आपका भाई ना पहुंच गया ग्राउंड में, यहाँ पे चल रहा है HCC मतलब हमारे HCC का फाइनल मैच। क्या है 15 रन हुए, 1 विकेट हुए, 4th ओवर गुल्लू आउट हो गया। क्या हाल है? ठीक है। कहाँ से आए हो आप? हम पटना से। पटना से किसके साथ पटे हो आप? हम यहाँ जिसके साथ पटे हो वो तो लाए नहीं आप, अकेले अकेले पट रहे हो आप इतनी सर्दी में, क्या फायदा पटाने का आप सर्दी में अकेले घूम रहे हो यार। चाचू गलत बात है आपकी, चाचू हाय बोल दो आप जम्मू वालों को, हमारे देखो पटना वालों को बोल दो, बोलो यार बोलो यार। गजब बेइज्जती है चाचू यार। तो ग्राउंड में दिखे आकाश भैया, आकाश भैया RPL में टीम एंटर करवाते हैं, छोटी मोटी टीमों में नहीं, और ये हमारे भैया सिर्फ एक टूर्नामेंट खेलते हैं चाहे 2 साल में एक बार होगी RPL। ये दोनों प्लेयर बड़े प्लेयर हमारे जैसे की, अगर इनको आपने क्रिकेट खेलने देखने तो RPL देखने जरूर आए, और आकाश भैया को सपोर्ट करे। आकाश भैया जल्दी से जल्दी आपको शादी करे, भगवान आपको 30-40 बच्चे दे। क्या बोला तूने? नहीं पहले 40 बच्चे दे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आपका भाई को सपोर्ट करें, हाँ, इस भाई को लव यू टू। आपको ना वो बोलते हैं इंग्लिश में लाइक कमेंट, हाँ, आपको जो ऊपर आई बटन दिख रहा है साथ में आकाश भैया की, ये वीडियो है तब की जब मैं सबसे पहले यूट्यूब चलाता था और आकाश भैया ने ये वीडियो तब बनवाई थी, तो बड़े अच्छे मतलब डायलॉग डिलीवरी ना इनकी बड़ी कैंट है। तो आकाश भैया से मैं एक ही बात कहूंगा, आकाश भैया सर्दी बड़ी ज्यादा, नहाना मत, अभी हम कुंवारे हैं तो नहा के रिस्क मत ले, जिंदगी है तो जहान है। सार क्यों बिठाया है, बाहर निकाल गए, बेइज्जती कर दी तेरी है। और सरदार जी हरभजन सिंह कहाँ जा रहे हो आप? हाँ। ये हमारे मानिक ब्रो बबरू जो 31 रन, आपने सुना ना 31 रन हो चुका है, हाँ। 1 विकेट हो चुकी है इनकी। ये हमारे नदीम भैया RCC का कैप्टन, नदीम भैया ऑल द बेस्ट, ये सारे प्लेयर RCC के। मुनी भैया हाय कर दो, बैट्समैन आज के। ये संजय भैया पिछले मैच में भी देखा था आपने, मैं नहीं देखा था क्योंकि मैं था नहीं। तो अभी नदीम भैया आए हैं बॉलिंग करने के लिए 6 ओवर के बाद, सोनी भैया बैटिंग कर रहे हैं। बड़ा प्लेयर मिस्टर आंटू, अंडे से मिलाता हूँ, ये हमारा अंडा कभी भी फूट सकता है। आज देखते हैं, अभी बचे हैं 10 ओवर और हमको रन चाहिए कम से कम 150 रन। 150 रुपया देंगे हम इसको अगर 150 रन पहुंचाएगा। बाघ कंटेंट बागा भाई, मेरा कंटेंट देख सकते हो आप, शाबाश। ये हमारा कोच है जो हमें रनिंग कराता है, फिजिकल ट्रेनिंग।
ट्रॉफी फाइनल सेमीफाइनल की, और लोटा भी रखा है जो बंदे पानी नहीं छूते हैं उनके लिए। पानी छूना नहीं। ये तीन जकास जबरदस्त फ्रेंड मेरे अरुण, ये फौजी, हाय फौजी, अजय, ये हाय सनी विकेट सनी अक्षय कुमार हमारा टीम का, ये ओहो हमारा प्रोड्यूसर स्पॉन्सर सोनी भाई का भाई, ये हमारा एसीसी का बॉलर ऑलराउंडर फ्लिक मार के छक्के मारता है, ये खास दोस्त है हमारे मुन्ना ब्रो सनी ब्रो लव यू ब्रो अर्जुन ब्रो, ओ विकास भैया, ये हमारे विकास भैया, ये विकास भैया मेरे फेवरेट बॉलर, कसम से 150 की स्पीड को ऐसे निकालते हैं। तो विकास भैया का मैच आया फाइनल कल वाला, तो मैंने देखा नहीं, तो इनकी सबकी डिमांड थी कि मैं क्रिकेट का ब्लॉग नहीं बनाता, मेरे को कमेंट्री नहीं आती तो शुनकर बनानी थी। टीम के प्लेयर मिस्टर लक्कू वीर अमित और पीछे नितिन मुनिया, और ये मेरा यार जिगरी, क्योंकि बड़ी बार वीडियो अपलोड करनी होती है, भाई की दुकान पे कुछ भी चाहिए और राती भी चाहिए और ले ले, और हमारे मल्लेदार मेरे यार जिगरी आयु, इसकी शादी है, इसकी शादी है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, मनदीप रमेश हमको तो क्या, रोहित ये छड़े बंदे छड़ों में एक बड़ा बैठा हुआ है, जीता क्योंकि आंडू ब्लंट हमारे रियासी का सबसे जकास खतरनाक प्लेयर है, तो अभी आंडू जा रहा है बैटिंग करने, तो अभी कमल जीत आ रहा है, वेल प्लेड ब्रो, तो आंडू ने पहली बॉल को कट किया है यहाँ पे बाउंड्री वाली साइड, और ये 4 रन पहली बॉल में, जितनी देर ग्राउंड में रहेंगे उतनी टीम के लिए खतरा होता है। 12 ओवर में 73 रन हो चुका है एससीसी का, और विकेटें हुई है 3, सोनी भैया कमलजीत और गुल्लू, और ये उठा के मारा है अंडू ने अगली गेंद, और दूसरा घुमा के मारा है, 4 रन, चौका सिंगल छक्का चौका, कैच कितना भारी पड़ सकता है ये शायद आपको आगे आने वाली बालों में दिख जाएगा, और ये बार घुमा के मारा है, और ये 6 रन, ताकि कैच भारी पड़ सकता है अंडू का, फ्लेचर है ये हमारे एससीसी के, ओह माय गॉड, एंड्रू फ्लेचर का दमदार छक्का डेथ बाउंड्री लाइन के बाहर, एंड्रू फ्लेचर जो कि आपने आज का घमासान देखा होगा, और हमारे इसी के साथ दूसरे बल्लेबाज हमारे नितिन मुनिया जी जो आ चुके हैं, मुनिया ने पिछले पहले 2 से 3 मैचों में काफी शानदार बल्लेबाजी की है, लास्ट के ओवरों में ये आंडू से भी खतरनाक हो जाते हैं अपने भाई की बैटिंग के लिए, सभी आया था यार, मेरे को लगा सीधी मारेगा तो मारी उसने उल्टी, तो आपने उसका छक्का नहीं देखा पहले, छक्का देखा मैंने, वो बाहर गया उसके बाद आंडू का था फेयरवेल मैच, लेकिन ये फेयरवेल वैसी ही है जो एबी डिविलियर्स की होती है जो वापस आ जाते हैं मैच खेलने, ये जैसे अगर इसकी परफॉर्मेंस अगर ऐसी ही रही तो इसका हर मैच फेयरवेल मैच होगा। ओवर में 108 रन हो चुका है नदीम भैया, क्या टारगेट है आपका, कितने रन से नीचे नीचे आप रोकना चाहेंगे, 140 से नीचे नीचे, तो देखते हैं अभी क्या बनता है, 108 15 ओवर में आगे के हाल आप देखिए, तो 17 ओवर में 124 रन हो चुका है, मैं माननी से खुश हो गया, बबरू क्या लगता है 150 से 150 पार होगी या नीचे, मेरे हिसाब से 150 से प्लस ही जाएगा रन अभी तो, मनोज है, मनोज जी आए अभी बॉलिंग के लिए, और ये घुमा के मारा है बॉल हवा में, और ये 6 रन पे रन आउट हो चुके हैं मुनिया, यहाँ पे नदीम भैया की, और पहली बॉल में उठा के मारना चाहता था और बॉल हवा में कैच के लिए नीचे, ओ और ये एक और शॉट यहाँ पे 6 रन के लिए, और ये कवर की तरफ उठा के मारा है, और 4 रन, प्लान हमेशा ये होता है 20 ओवर्स तक खेलो, हाँ, और एक साइड से टीम को पकड़ के रखो जो आज हुआ, इसलिए दूसरे एंड से लोगों ने रन किए, तो अभी ना आशीष भैया और शिवम खड़े हैं, आप आए हैं वैसे ही छक्के और चौकों की बरसात हुई है, पहले आशीष भैया क्या प्रेडिक्शन है कि कौन जीतेगा, प्रेडिक्शन ये है कि टोटल काफी अच्छा बना चुके हैं ये, विकेट भी इतना सपोर्ट नहीं करेगी बैटिंग को जहाँ तक मेरे को लग रहा है, मैंने बोला था 150 प्लस रन होगा और उसी के साथ टोटल है 163, तो अभी दूसरी साइड से ओपनिंग के लिए आए हैं नदीम भैया, रनिंग के लिए चंदा और राहुल, अरे यहाँ पे आ रहे हैं अर्जुन भैया, और सेकंड ओवर गुल्लू,
तो अभी विकास भैया बॉलिंग के लिए आया, मेरे वन ऑफ द बेस्ट माई फेवरेट विकास भैया बॉलर है। तो यहाँ पे भैया आपका क्या कहना, कौन जीतेगा? आप ही जीतोगे। यस ब्रो, यू आर राइट, यू आर गुड क्वेश्चन। हेलो पवन भैया, हाय हीरो, क्या लक्कू भैया, क्या हाल है? बस ठीक भाई। भैया राहुल के लिए क्या कहेंगे, आपकी टीम का ओपनर प्लेयर था जो बैटिंग की है बहुत ही बढ़िया और ए क्लास बैटिंग की है उसने। तो अभी 18 गेंदों में 31 रन चाहिए, तो सोच सकते हो मैच कितना जबरदस्त जकास हो रहा है। और मेरे फेवरेट बॉलर विकास भैया फिर से आ चुके हैं। तो अभी 12 गेंदों में चाहिए 24 रन। बहुत ही शानदार बॉलिंग हमारे अर्जुन जी के द्वारा, भी 5 रन आया इस ओवर में। अभी आखिरी ओवर करवाने यहाँ पे आया मिस्टर मुदस्सिर आंटू जी। फाइनली यहाँ पे एससीसी ने ये कप जीत चुके हैं। तो फाइनली अभी ना फाइनल मैच होने के बाद हम आए अभी सूरज पैलेस खाने पनीर दाल अंबर रोटी, और ये खाएंगे पनीर लकड़ियों वाला, मतलब नॉन वेज खाएंगे ये। आपका भाई खाएगा पनीर, हमारी पनीर वाली टीम जिन्होंने सिर्फ खाने वेज चीजें, और ये है हमारे, मतलब नहीं यार ये भी वेज ही खा रहे हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ, वेज नॉन वेज मिक्स चल रहा है। और ये हमारी एचसीसी की टीम है अपनी, जीत के फाइनली ये दूसरा कप था हमारा, दूसरा कप था ना, तो ये हमारा फाइनल का दूसरा कप था। अभी हम इधर खाएंगे रोटी छोटी खाओगे फिर जाएंगे घर। अभी मैं खा रहा हूँ आइसक्रीम, मेरा स्ट्रॉबेरी मेरा ना फेवरेट है, गुल्लू ने लाई मेरे लिए, मैंने इसको बोला सिर्फ स्ट्रॉबेरी लाना, इसने मिक्स करके ला दिया, पानी क्या है पीली पीली टट्टी सी कुछ, पर मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा सिर्फ स्ट्रॉबेरी। तो दोस्तों ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।